ये छज्जा था हन्नू का छज्जा, और हन्नू यहाँ का एक हन्नू जो भी पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे उसकी इमारत है। हन्नू का छज्जा उस समय काफ़ी फेमस हुआ करता था, यहाँ के लोगों की माने तो हन्नू का यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ करता था और सभी गेटों में वो चक्कर लगाया करते थे। साहब आपके बुजुर्गों ने क्या बताया है हन्नू के छज्जे के बारे में? बताया क्या यहाँ से उनने किसी मुसलमान को टपने नहीं दिया। पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार मुल्तान में कभी हिंदुओं की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, और पार्टीशन से पहले यहाँ पर कुछ ऐसे मोहल्ले भी थे जहाँ उनका दबदबा हुआ करता था। खासकर बात की जाए अंदरून मुल्तान की, तो अंदरून मुल्तान में आज भी इनके वो पुराने मकान और घर बने हुए हैं जहाँ पर इनकी नेम प्लेट्स आज भी लगी हुई हैं। वो मोहल्ले आज भी उन हिंदुओं के नाम पर जाने जाते हैं। खासकर बात की जाए हनू दा छज्जा, तो हनू का छज्जा यानी वो व्यक्ति थे हनू जो उस समय यहाँ पर कई मकान थे अपनी घोड़ी पर पहरेदारी किया करते थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनका इतना दबदबा होता था कि वो किसी मुसलमान को इस एरिया में आने नहीं देते थे। तो आज भी वो इलाका हिंदुओं के नाम से फेमस है। आइए दिखाते हैं वहाँ पर आपको किस तरह की उनकी इमारतें हैं, बुलंद इमारतें, यानी कि उस समय भी वो किस शोहरत से जिया करते थे वो सब दिखाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन वीडियोज को शेयर भी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र पाक का जो आपके सामने एपिसोड ला रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं हम उस पुराने मोहल्ले में और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आज चूड़ी बाजार है और वो सब कुछ है, वो सब दिखाते हैं। मुल्तान का ये पूरा इलाका हनू के छज्जे वाला इलाका माना जाता है अंदरून मुल्तान में, और आज भी यहाँ पुरानी इमारतें उसी दौर में सुरक्षित इमारतें, मजबूत इमारतें काफ़ी नक्काशी की हुई। खास बात यह है कि यहाँ पर ये जो आज भी बाजार है वो उस ज़माने में भी बाजार हुआ करता था। तंग गलियाँ ज़रूर हैं लेकिन इमारतें आज भी सुरक्षित है हनू के मोहल्ला के पास। और यहाँ पर जो इतने भी लोग यहाँ पर इस समय रह रहे हैं ये सब इंडिया से आए थे पार्टीशन के बाद, और सभी रोहतक इलाके के थे। ये जो इमारत आप देख रहे हैं मुल्तान के अंदर, ये वो तारीखी इमारत है जो हनू के छज्जा इलाके में हुआ करती थी। और ख़ास बात यह है कि आज इन सब इमारतों में रोहतक से आए हुए लोग रह रहे हैं। अब इस इमारत के अंदर मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इस पर लिखा क्या हुआ है। देखिए आज भी इस पर मेंशन है कि ये देखिए ये देखिए साहब खन्ना मेंशन एस्टेब्लिश 1935, यानी 1935 की ये इमारत, उस दौर के लोग यहाँ से गए थे और आज भी उसी की मजबूती में खड़ी हुई हनी को हनू मोहल्ला ये कहा जाता था। ये देखिए इस पर आज भी खन्ना मेंशन एस्टेब्लिश 1935 आज भी इस पर लिखा हुआ है, और रोहतक से आए हुए लोगों ने इसे बहुत खूबसूरती से संभाल कर रखा हुआ है। ये देखिए मजबूत दरवाजे, ये देखिए एक बार फिर से इस साइड से भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए खन्ना मेंशन एस्टेब्लिश 1935, ये खन्ना परिवार की हुआ करती थी। और हाइट देखिए ऊपर तक, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और उसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारी खन्ना मेंशन आज भी उसी दौर की याद दिलाते हुए। दरवाजे देखिए मजबूत दरवाजे, ये देखिए खन्ना मेंशन की ये इमारत, और ये जंगले की इसकी खिड़कियां, और इसके जो ग्रिल हैं वो भी काफी मजबूत हैं। खिड़कियां आज भी मशहूर, उसी दौर के लैंप भी लगे हुए हैं, लैंप भी उसी दौर के मैचिंग के बिल्कुल लैंप हैं। ये खन्ना मेंशन की बिल्डिंग जहां खन्ना मेंशन की ये इमारत, इस पर तो खन्ना मेंशन लिखा हुआ है कि खन्ना परिवार की थी, लेकिन बाकी इमारतें भी साफ तौर पर उस टाइम के हिंदुओं की हुआ करती थी। कुछ लोगों ने लिखवा रखा था लेकिन कुछ लोगों ने नहीं लिखवाया हुआ था, लेकिन ये आज भी खन्ना मेंशन इस पर एस्टेब्लिश्ड है।
ऊपर देखिए जो ग्रिल लगी हुई है उनके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है। और ख़ास बात ये देखिए आप, यानी कि 3 मंजिल 4 मंजिल इमारतें उस दौर की आज भी मुल्तान में सुरक्षित हैं। हनू के छज्जा इलाका उस समय कहा जाता था, लेकिन आज भी रोहतक से आए हुए जो परिवार हैं उन्होंने इनको सुरक्षित संभाला हुआ है। इस इलाके के सभी लोगों की बात की जाए, पूरी वही हरियाणवी लैंग्वेज में बात करते हैं, रोहतकी में बात करते हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हमें मिले हैं जो रोहतक गोहाना झज्जर इलाके में पैदा हुए हैं, और उनका साफ कहना है कि आज भी हमारे यहाँ पर होल्ड काफ़ी अच्छा है। ये जो सामने वाली खूबसूरत और सफ़ेद रंग की इमारत आप देख रहे हैं, ये भी उसी दौर की इमारत है। ये उस टाइम के यहाँ के हिंदुओं की इमारत, खासकर पंजाबी उनकी इमारत है, और इस पर भी मेंशन किया गया है। चल के आपको दिखाते हैं कि किन के नाम पर यह इमारत थी उसी दौर के। इसके देखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें तो ये कहा जा सकता है कि उस समय जो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तक इसको डेवलप किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ ये वो बन चुकी है। नीचे होने की वजह से बेसमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए, ये मलिक जस्सूराम, ये इमारत है जी, मलिक जस्सूराम, बिल्ट 1940, यानी कि पंजाबी फैमिली की इमारत हुआ करती थी। काफ़ी हन्नू के छज्जे के पास काफ़ी पंजाबी लोग रहा करते थे जो यहाँ से उस समय यहाँ से चले गए थे। और ये मलिक जस्सूराम बिल्ट 1940। और ख़ास बात यह है कि इस इमारत का दरवाज़ा देखिए, कितने ऊंचे दरवाजे उस समय लगाए गए थे, उस समय कितनी लकड़ी और मजबूत लकड़ी का इस पर काम किया गया था। आज भी उसी दौर की ये इमारत, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। ये देखिए, तब भी इन मजबूत सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाना पड़ता था। और आज रोहतक से आए हुए भाइयों ने इसे पूरी तरह से संभाल कर रखा हुआ है। ये मलिक जस्सूराम की वो इमारत जो आज भी अपनी खूबसूरती को और मजबूती को बरकरार रखे हुए है, जहाँ तक आपके ऊपर तक नजर जाती है ये वो। और ठीक इसके सामने खन्ना मैंशंस, इसके अलावा काफ़ी इमारतें हैं। और वो सामने ये देखिए, एक मंदिर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये हुआ करता था उस दौर का मंदिर, यानी कि घरों के आसपास मंदिर भी हुआ करते थे। हालांकि रख रखाव के अभाव में ये डिमोलिश हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी गुंबद एज इट इज़ है। और इसके पास चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि साइड में इसको ज़्यादा इसकी केयर नहीं की गई है। ये देखिए, उस समय ये हुआ करते थे। और ये दरवाज़ा देख सकते हैं आप, उसी दौर का दरवाज़ा इस पर लगा हुआ है, उसी दौर का दरवाज़ा। ये हनू के छज्जा मोहल्ले की, और ईंटें देखिए, ठीक उसी स्टाइल की ईंटें, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। खास बात यह है कि उस समय ऑयल पेंटिंग, इस तरह के वॉल पेंटिंग्स होती थी, जो कि थोड़ी थोड़ी नज़र ज़रूर आ रही हैं। और लकड़ी की ये जालियाँ हवा के लिए कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। ईंटें देखिए उस टाइम की, छोटी छोटी पतली पतली ईंटें। और ये गुंबद, आज भी सलामत गुंबद, यानी कि एक मंदिर का स्ट्रक्चर हुआ था इस पंजाबियों के इस मोहल्ले में। ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसकी एक नेम प्लेट भी लगी हुई है। ठीक इसके सामने भी कुछ ये पुराने दौर के घर बने हुए हैं, ये देखिए इस पर। हालांकि वो सब प्लास्टर उखड़ने की वजह से कंफर्म नहीं हो रहा है कि आखिर किसका था, लेकिन यहाँ पर एक रिवाज जरूर था कि लोग लिखवाया करते थे कि किन का मकान है। लेकिन पुराने मकानों का आज भी यहाँ पर चलन ऐसे कैसे है, गलियाँ जरूर तंग हैं, लेकिन पुराने मकान आज भी मुल्तान में सुरक्षित हैं। ये जो गेट देख रहे हैं, ये अंदर जाने के लिए गेट है, लेकिन ऊपर जो इमारत देख रहे हैं, ये छज्जा था हन्नू का छज्जा। और हन्नू यहाँ का एक हन्नू जो भी पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे, उसकी इमारत है। हन्नू का छज्जा उस समय काफ़ी फेमस हुआ करता था। यहाँ के लोगों की माने तो हन्नू का यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ करता था, और सभी गेटों में वो चक्कर लगाया करते थे। सब आपके बुजुर्गों ने क्या बताया है हन्नू के छज्जे के बारे में? बताया क्या, यहाँ से उनने किसी मुसलमान को टपने नहीं दिया। अच्छा, फिर हमने भी हिंदुओं ना। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे घोड़ा बंधा। हाँ, घोड़ा बंधा, पीपल सावन का फूल होता था। ये सारी बिल्डिंग उसी की है। अच्छा, ये सारी जो बिल्डिंग एरिया हन्नू था। अच्छा, और यो के था जी, मंदिर था यो, ये छोटा सा मंदिर भी बना रहा है।
जो सारे जाम की दुकान बन गई। हाँ ऊपर पर स्ट्रक्चर आज भी है इसमें, है ऊपर आज भी स्ट्रक्चर है उस मंदिर का। और ये देखिए, ये यहाँ पर उनका घोड़ा बंधा होता था जो पूरे इलाके का चक्कर लगाया करते थे। अच्छा अच्छा, वो पीपल मुरझा गया था। अच्छा इतना अरसा हो गया करीबन। हाँ पर पुरानी इमारत आज भी यहाँ महफूज है। यो हन्नू का होया करता था। यो चारों लाल हवेली है। हाँ ये जो आपने 1965 की देखी है, 1935 की देखी है। हाँ मंदिर देखा, सब अन्नू का था। सब अन्नू का लाल हवेली अन्नू, यानी कि वो एक उसका ही परिवार सारा अन्नू का है। ये सारे रोहतक की भाई आलिया रहे, अब सारे रोहतक आ गए हैं। ये देखो भाई रोहतक के आ गए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि रोहतक वाले भाई ने अपने जो संभाल के रख रखा है। सजावटी बिल्डिंग है ये, हमने जो टूट गई घनी खस्ता होगी उसको गिरवा के बनवा दिया, ना तो बाकी रख रखी है। वाह साहब आपका ये तो और पुरानी मिलेगी। ये सारा इलाका आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका, आज भी अपनी उसी दौर की इमारतों के साथ मजबूत। यहाँ पर घोड़ा बंधा होता था जी। शेर लग रहे हो बिल्डिंग के ऊपर, वो भी ये देखिए, ये उस दौर की भी छोटी सी दुकानें हुआ करती थी और उसी दौर के ये यानी कि मार्केट हुआ करती थी। पूरा हन्नू का छज्जा इलाका मशहूर था। हन्नू वो शख्स थे जो किसी को टपने यानी यहाँ से क्रॉस नहीं होने दिया करते थे। ये थी धाक हन्नू की। हन्नू की पांच इमारतें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और ये इमारत भी हन्नू की हुआ करती थी, यानी हन्नू उस टाइम का यहाँ का एक नामी गिरामी शख्स हुआ करता था। अच्छा हन्नू का छज्जा के पास ये चूड़ी सराय बाजार है। चूड़ी सराय बाजार उस दौर में शायद पता नहीं किस नाम से जाना जाता था, लेकिन हन्नू के छज्जा के ठीक कुछ ही कदमों पर ये एक मंदिर बिल्कुल सही हालत में आज भी खड़ा हुआ है। उसकी गुंबद, हाँ लेकिन इसकी गुंबद और इसकी पुरानी स्ट्रक्चर, पुरानी यहाँ की शैली सारी आज भी उसी दौर की याद दिला रही है। ठीक कुछ ही कदमों पर हन्नू का छज्जा है जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। ये अंदरून माहौल का मुल्तान का वो इलाका है जहाँ से लोग इंडिया गए थे, और ख़ास बात यह है कि रोहतक से आए हुए लोग इस इलाके में आए थे। चूड़ी बाजार में ये जो इमारत देख रहे हैं ये जैन मंदिर हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसे मदरसे में ज़रूर तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इसकी गुंबद आज भी एज इट इज़ है। और ख़ास बात यह है कि कितनी खूबसूरत कला शैली इस मंदिर पर दिखाई दे रही है, खूबसूरत नक्काशी इन पुराने दौर की इमारतों की आज भी उस दौर की याद दिलाती हैं। ये अंदरून मुल्तान के इलाके में वो इमारतें हैं जो कभी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए धार्मिक हुआ करती थी। ये जो था ये यहाँ का जैन मंदिर था, और देखिए इस पर पेंटिंग्स आज भी उस दौर की कायम है। बरसात ने वर्षों के बाद 75 सालों के बाद भी इस पेंटिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और दीवारें तो इतनी मजबूत हैं, दीवारों पर नक्काशी अपनी अलग ही कहानी बता रही है। ये देखिए, और सीढ़ियां चढ़कर उस समय भी ऊपर दरवाजों के माध्यम से जाया जाता था। ये मुल्तान के अंदर आज भी पुरानी इमारतों का दौर सुरक्षित है, और बाकी गलियों के अंदर पुराने दौर के मकान आज भी बने हुए हैं। मुल्तान का चूड़ी बाजार, जितने भी मुल्तान के दरवाजे हैं उन सभी दरवाजों के लिए रास्ता यहाँ से भी निकलता है, यानी ये वो फेमस जगह थी जहाँ से आप मुल्तान के हर दरवाजे तक जा सकते थे, या कहा जा सकता था ये सेंटर भी इसे है। यहाँ पर आज भी काफ़ी, हमने आपको दिखाया कि जैन जो मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर बाबड़ा मोहल्ला भी हुआ करता था। हिंदुओं का हन्नू का छज्जा था तो यहाँ पर बाबड़ा मोहल्ला हुआ करता था जहाँ काफ़ी संख्या में जैन परिवार रहा करते थे। हम शुक्रगुजार हैं, हम थैंक्स करते हैं एक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हबीबुर रहमान साहब का, जिन्होंने इन सब आज भी ये जो मंदिर हैं इनको दोबारा से रेनोवेशन करा रहे हैं, इनकी देख रेख कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान एक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान इन इमारतों की ना केवल देखभाल कर रहा है बल्कि जल्द ही एक जैन डेलीगेशन को भी उन्होंने न्योता दिया है कि
मुल्तान से लेकर पाकिस्तान के जिन हिस्सों में जितने भी जैन मंदिर है वहाँ आकर वो उनका देख रेख के लिए उनके साथ मिलकर कदम उठाएं, उनके सजेशन भी लेने के लिए। तो ये सब सारा जो श्रेय जाता है ये ETPB के जो चेयरमैन हैं हबीबुर रहमान साहब उनको जाता है, और हम हमेशा की तरह उनका भी थैंक्स करते हैं कि वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, दिगंबर जैन मंदिर मैं आपको खास भी दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये दिगंबर जैन मंदिर ओमकार दरवाजों पे छपे हुए और आज भी लिखा हुआ है दिगंबर जैन मंदिर। ये देखिए, ये जैन मंदिर हुआ करता था हिंदी में। ये देखिए, आज भी इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है दिगंबर जैन मंदिर। खूबसूरत इमारत, ये यहाँ आज भी अपनी मजबूती की मिसाल पेश करती हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर में भी बहुमंजिला इमारतें यहाँ हुआ करती थी, पूरा का पूरा इलाका आज भी समझे कि सेफ जैसे उसी हालत में खड़ा हुआ। और ख़ास बात ये देखिए, ये ओम का निशान भी बना हुआ है इस पर, इसके दरवाजे के ऊपर। ये देखिए ये निशान, आप जो गवाही दे रहा है कि ये उस समय, ये तीनों दरवाजों के ऊपर ओम का निशान, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये निशान देखिए, ओम का निशान आज ओमकार का। और ये पुराने दौर के मंदिर या उस जमाने के लोगों के रहन सहन यानी कि लाइफस्टाइल को बिल्कुल ये क्लियर कर रहा है कि लाइफस्टाइल उस समय भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। अंदरून मुल्तान के इलाके में सुरक्षित ये हिंदुओं की इमारतें आज भी गवाही दे रही हैं कि उस समय यहाँ के हिंदू काफ़ी रहीस हुआ करते थे और काफ़ी अच्छी इमारतें बनाने के शौकीन भी हुआ करते थे। लोगों की माइंड में ये आता है कि शायद उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन इन हवेलियों को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उस समय के लोग भी काफ़ी अच्छे कारोबारी लोग थे और काफ़ी ज़्यादा इमारतें और अच्छे स्ट्रक्चर बनाने के शौकीन हुआ करते थे, जिनकी मजबूती आज भी कायम है। आज भी ये इमारतें उस दौर की याद दिला रही हैं कि आखिर उस दौर के लोग किस तरह का जीवन शैली जिया करते थे, किस तरह का लाइफ स्टाइल था और कितना उन लोगों में आपस में प्यार था। ये सब इमारतें आज भी उनकी गवाही दे रही हैं। बाकी चीज़ों का पाकिस्तान के बाकी शहरों का भी आपको हम ज़रूर विजिट कराएंगे, लेकिन ये हम इसलिए आपको कहते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के बारे में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन सबको आपके सामने लाएंगे कि आखिर कितना बदलाव 1947 के बाद पाकिस्तान में आया है। क्या वास्तव में आज भी पाकिस्तान में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो उस दौर में हुआ करती थी। इन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दोनों मुल्कों का एक इतिहास जो हम दोहरा रहे हैं वो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। नमस्कार।